हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर, हाजिर हूं फिर से एक नया वीडियो लेकर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यू व्हाट्सएप पे आ रहे एड्स, एफएम व्हाट्सएप पे आ रहे एड्स को हम कैसे रिमूव करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे बात करना ज़रूरी है। व्हाट्सएप से स्विच होकर हम एफएम व्हाट्सएप पे गए, व्हाट्सएप से स्विच होकर हम जीबी व्हाट्सएप पे गए, और व्हाट्सएप से स्विच होकर ही हम लोग गए हैं किस पे, यू व्हाट्सएप पे। यानी हम क्यों व्हाट्सएप के ऑल्टरनेट्स को ढूंढ रहे हैं, क्यों हम दूसरे एप्लीकेशंस में जा रहे हैं। दूसरे एप्लीकेशंस में जाने का एक सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो सारे फीचर्स जो व्हाट्सएप पे होते हैं वो तो हमें वहाँ पे मिल ही जाते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे एडिशनल फीचर्स मिलते हैं जो हमारे व्हाट्सएप एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा बना देते हैं। चाहे हम बात करें यू व्हाट्सएप की, चाहे हम बात करें एफएम व्हाट्सएप की, चाहे हम बात करें जीबी व्हाट्सएप की। इसका मतलब ये है कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट ये है क्या वो सारे ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं जिन्हें हमें ज़रूरत है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक बार अपने व्हाट्सएप को आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। बिल्कुल सिंपल व्हाट्सएप के तरीके आइकन है, और अब यहाँ पर देखेंगे मेरा व्हाट्सएप ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं ग्रुप्स पर चला जाता हूँ, तो अब ये रहे सारे मेरे ग्रुप्स जो कि नॉर्मली आपको यू व्हाट्सएप और एफएम व्हाट्सएप को भी देखने को मिलते हैं। चैट्स में ये रहे चैट्स, और जब मैं साइड में स्टेटस पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे स्टेटस में आपको कहीं पे भी कोई भी एड्स नहीं दिखाई दे रहे। इसके साथ साथ अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर मैं किसी भी यहाँ पर अभी स्टेटस पे क्लिक करूँगा तो आप साइड में देखेंगे डाउनलोड बटन दिया रहा है। अगर मैं डाउनलोड बटन पे क्लिक करता हूँ तो मैं डाउनलोड के यहाँ पर सेव करूँ, या फिर डायरेक्टली मैं चाहूँ तो किसी के साथ शेयर भी कर सकता हूँ वीडियो। पहले क्या था, अगर हम यू व्हाट्सएप, या अभी भी मैं आपके साथ ये होता होगा कि अगर आप यू व्हाट्सएप पे किसी के स्टेटस आपका पसंद आता है तो आप उसको डाउनलोड करते हैं, और डाउनलोड करने के बाद आप क्या करते हैं उसको किसी के साथ शेयर करते हैं। लेकिन अगर मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर डायरेक्टली शेयर का ऑप्शन है, आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पर शेयर पर क्लिक करके किसी के साथ भी ये आप स्टेटस शेयर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर कहीं पे आपको एड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा हम और सारे फीचर्स की बात करें तो मैं थ्री डॉट्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं चैट्स पे जाता हूँ, एक बार थ्री डॉट्स पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे ऑडियो प्रिविलेजेस पे चला जाता हूँ। तो अब यहाँ पर देखेंगे ऑलमोस्ट वो सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे जो कि आपके यू व्हाट्सएप या एफएम व्हाट्सएप पे हैं। एक एक करके मैं चेक करा देता हूँ। प्राइवेसी पे जाइए, प्राइवेसी पे आप जाएंगे तो लास्ट इनको फ्रीज करने का ऑप्शन है, ये यू में है, एफएम में और जीबी तीनों में ही है। डिसेबल फॉरवर्डेड का ऑप्शन, ये आपको वहाँ पर मिल जाएगा। हु कैन कॉल मी, आप यहाँ पर जब टैग करेंगे तो इसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है। एक्स्ट्रा ऑप्शन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप जीबी यूज़ करते हैं तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं, तो एवरीवन यूज़ करिए, या फिर माय कॉन्टैक्ट यूज़ करिए, नोबडी यूज़ करिए। इसका मतलब ये आपको या तो कोई आपके जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर सेव होंगे वो आपको कॉल कर पाएंगे, या फिर सभी आपको कॉल कर पाएंगे, या फिर कोई कॉल नहीं कर पाएगा। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है, आप देखेंगे माय सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर आप जिसको भी चाहें आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लें, और इससे क्या होगा कि ये लोग आपको कॉल कर पाएंगे, इसके अलावा कोई कॉल नहीं कर पाएगा। तो ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है। आप अगर यूज़ करते हैं एफएम व्हाट्सएप या आप यू व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पे ऑप्शन नहीं है। अभी अगले अपडेट्स में आएगा तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। इसके अलावा जब कस्टम प्राइवेसी पे जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसके अलावा जब हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर हाइड व्यू स्टेटस का ऑप्शन मैंने इनेबल करके रखा है। मैं किसी का भी स्टेटस देखूंगा सामने वाले को पता नहीं चलता है, एंटी डिलीट स्टेटस दिखाई दे रहा है। इसका मतलब किसी ने अगर एक बार स्टेटस अपलोड किया और उसको डिलीट कर भी दिया तो वो डिलीट नहीं होगा मेरे लिए वो 24 आवर तक वो रहेगा विजिबल। मैसेजेस को डिलीट कर देता है अगर कोई मुझे सेंड करके, तो मैसेजेस मेरे लिए डिलीट नहीं होंगे, यहाँ पे ये भी ऑप्शन है। शो ब्लू टिक्स आफ्टर रिप्लाई, आप देखेंगे यो व्हाट्सएप पे था, यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। नीचे आप इंस्टॉल करके जाएंगे तो अभी लेटेस्ट अपडेट में जीबी में क्या हुआ है कि आपको व्हाट्सएप लॉक का फीचर नहीं मिला है, मेरे में है। अगर मैं इसको इनेबल करता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे फिंगरप्रिंट पैटर्न या पिन, इनमें से कोई भी एक यूज़ करूँगा तब मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करूँगा, तो इनमें से जो मैं चीज़ सेट करूँगा वो मुझे देख के ही लॉगिन करना होगा। रिकवरी में आप क्वेश्चन सेट कर सकते हैं, फिलहाल मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। तो आप अगर एफएम यूज़ करते हैं, यूबी यूज़ करते हैं, या यू यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा ये सारे ऑप्शंस आपको वहाँ पे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑप्शन एक्स्ट्रा हैं, वो तो है ही है सारे, और यहाँ पर एक्स्ट्रा भी है। आप ओरियो थीम पर जाइए, अनलिमिटेड थीम्स का बेनिफिट ले सकते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करिए, डायरेक्टली आप ऑनलाइन जाइए। यो व्हाट्सएप में क्या है इशूज़ कि अब हम थीम्स को यूज़ करना चाहते हैं तो पहले उनको शेयर करें फिर हम यूज़ करें, सेम टू सेम प्रॉब्लम है। अगर आप एफएम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, कोई पॉपुलर सी थीम होगी तो डायरेक्टली आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, उसको आपको पहले शेयर करना होगा। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली मैं इंस्टॉल बटन पे क्लिक करूँगा, वो थीम इंस्टॉल होगी, उसको यूज़ कर पाऊँगा।
इतनी थीम्स हैं कि जो आपको देखेंगे तो किसी दूसरे एप्लीकेशन में आपको नहीं मिलेंगे। इसके अलावा इस रिस्टोर थीम का ऑप्शन है, यानी थीम से रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। मैं बैक चला जाता हूँ, यूनिवर्सल पे जाइए तो देखिए यूनिवर्सल का लुक तो टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे सारे चीज़ें कलर से रिलेटेड है, कलर कैसा रहेगा, टेक्स्ट का कलर कैसा रहेगा, बैकग्राउंड का कलर कैसा रहेगा, यहाँ पर आप देखेंगे स्टेटस का कलर कैसा रहेगा, सारा कुछ है। एक बार जब क्लिक करेंगे यहाँ से आप स्टेटस सेट करेंगे और न्यू के स्टेटस पर क्लिक कर देंगे। नेविगेशन बार का कलर कैसा रखेंगे, यानी इनमें सबसे आप कलर का सिर्फ ऑप्शन चेंज कर रहे हैं। स्टाइल में चले जाइए, स्टाइल पे क्लिक करिए तो यहाँ पर आप देखेंगे फॉन्ट स्टाइल का एक सबसे अच्छा ऑप्शन है जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जो कि FMEO में नहीं है अब तक। यहाँ पर आपको जो भी फॉन्ट स्टाइल पसंद हो आप उस फॉन्ट स्टाइल का यूज़ करिए। अनलिमिटेड फॉन्ट स्टाइल है, उर्दू, हिंदी, अरबी, जो भी आप चाहें वहाँ से फॉन्ट स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। लॉन्चर आइकन आप क्या रखेंगे, यहाँ पे ढेर सारे आइकन्स हैं, उनमें से आप अपने हिसाब से लॉन्चर आइकन चूज़ कर लीजिए। नोटिफिकेशंस का सिस्टम कैसा रहेगा, क्या आप उसका कलर रखेंगे, वो भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। बैक चले जाइए, इसके बाद आप हाइड मीडिया में जाइए तो ये ऑप्शन जो वहाँ पर थे वो यहाँ पर भी हैं। आप चाहते हैं कि जी बी व्हाट्सअप की जो भी या आपके यू व्हाट्सअप या FM व्हाट्सअप की जो भी फाइल्स हैं वो आपकी गैलरी पर शो ना करें, तो आप यहाँ से उनकी सेटिंग्स इनेबल कर देंगे, वो शो करना बंद कर जाएंगी। बैकअप एंड रिस्टोर देखेंगे तो ये ऑप्शन आपको वहाँ पे भी मिलेगा, ये ऑप्शन यहाँ पे भी मिलता है। आप यहाँ पर बैकअप पे क्लिक करेंगे और बैकअप होना स्टार्ट हो जाएगा। आप चाहें तो बाद में इस बैकअप को स्टोर कर सकते हैं। आज यहाँ पर अच्छी चीज़ कि इसका बैकअप आपका दोनों जगह पे हो सकता है। आप चाहें तो क्लाउड पे बैकअप लें या फिर आप चाहें तो लोकल डिवाइस पे बैकअप ले लें। बैक चले जाइए, सेटिंग्स पे जाइए और देखिए फिर से बहुत सारे ऑप्शंस हैं सेटिंग्स पे, जहाँ पर नॉर्मली कन्वर्सेशन कार्ड कैसा रहेगा, हेड्स का नोटिफिकेशन कैसा रहेगा, ऑलमोस्ट देखेंगे तो वो सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बैक चले जाइए, अब होम स्क्रीन पे आ गया, आप यहाँ से भी चेंजेस कर लीजिए। हेडर स्टाइल कैसा रहेगा आपका, आप यहाँ से ग्रुप्स एंड चैट्स को अलग अलग रखना चाहते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर टोटल मिला के आप जिस चीज़ में आप यहाँ पर नाम अपना शो करना चाहते हैं, नहीं शो करना चाहते हैं, आप इनेबल या डिसेबल करते जाइए। डार्क मोड आपको इनेबल करना है, नहीं इनेबल करना है, आप ऊपर ऑप्शन रखना चाहते हैं उसका आइकन, नहीं रखना चाहते, एरोप्लेन का रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, आप यहाँ से चीज़ें सर्च आइकन आप यहाँ से हाइड करना चाहते हैं, आप रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, यहाँ से आप नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे, इतने सारे ऑप्शन हैं, अपने हिसाब से आप पूरी तरह से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आई गारंटी ये सारे ऑप्शन आपको FM या UP नहीं मिलते होंगे। बैक चला जाता हूँ, इसके बाद नीचे जाते हैं जहाँ पर मटेरियल डिज़ाइन हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो, ओरियो डिज़ाइंस हैं। तो मेन चीज़ आज का इशू ये था आपका, और एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी GB व्हाट्सअप में तो ज़्यादातर ये इशू आ ही रहा है, और कई सारे यूज़र्स हैं जिनको ये भी अभी कमेंट आया है कि यो व्हाट्सअप में भी इशू आ रहा है। इशू क्या आ रहा है कि जब वो किसी चैट को हाइड करते हैं तो हाइड करने के दौरान उनको प्रॉब्लम आ रही है कि हाइड करते समय वो चैट हाइड तो हो जाती है लेकिन सर्च में आ जाता है। जैसे मेरे केस में क्या है, यहाँ पर मान लीजिए कौशल नाम का, ये यहाँ पर मैं टैग पर लॉन्ग प्रेस करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं इस पर हाइड पे क्लिक कर देता हूँ। अब हाइड के साथ मैं यहाँ पे पैटर्न चूज़ करता हूँ, यहाँ से मैं कोई भी एक पैटर्न दे देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से इसको टिक करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं हाइड कर देता हूँ यहाँ से। और आप देखेंगे वहाँ से वो चैट हाइड हो गई है। अब मुझे दोबारा से अगर मैं सर्च बॉक्स में उसका नाम डालूंगा तो क्या वो चीज़ें आएंगी? फिलहाल मैंने यहाँ से सर्च बॉक्स हाइड कर लिया है, अगर मुझे दोबारा से उसको शो करना है तो शो करना पड़ेगा। शो करने के लिए आपको ओरियो प्लेबल, यहाँ पे हमने फॉन्ट स्टाइल चेंज किया था तो वहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया है। होम स्क्रीन पे जाना है आपको, और होम स्क्रीन पे जाने के बाद आपको यहाँ से हेडर पे चले जाना है। हेडर पे जाने के बाद आपको जो जो चीज़ें वहाँ से आपने हाइड की थी, हमने सर्च बॉक्स को हाइड कर लिया था, तो सर्च आइकन को यहाँ पे हम अभी इनेबल कर देते हैं। इनेबल करने के बाद जब मैं दोबारा से ओपन करता हूँ तो यहाँ पर सर्च आइकन आता है। अगर मैं किसी का भी नाम यहाँ पर टाइप करता हूँ तो वो चीज़ें यहाँ पे शो कर जाती थी, लेकिन इसमें नहीं कर रही हैं। ये GB व्हाट्सअप में इश्यूज़ हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए आपको चाहे कन्वर्सेशन लॉक करना हो, आपको हर एक चीज़ प्रॉपरली काम करती हुई मिल जाएगी। आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपको यो व्हाट्सएप पे, अगर आपको FM व्हाट्सएप पे इश्यूज़ है एड्स के, तो मैं आपसे ये कहूँगा आप स्विच करिए और ओरियो व्हाट्सएप पे जाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे उसको डाउनलोड कर लीजिए। इससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, चैट्स का अगर आपका इशू है कि आपका डेटा लॉस हो जाएगा, तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, चैनल पर डाल भी दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। चाहे आप FM व्हाट्सएप यूज़ करते हो,
चाहे आप यू व्हाट्सएप यूज़ करते हो, आपको पैटर्न फॉलो करना है, वहाँ पे पैटर्न देख लीजिए क्या पैटर्न है, पैटर्न के हिसाब से वहाँ से आप चैट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं आप, कि अगर आप जीबी व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं तो जीबी से आप कैसे उसको ओरियो व्हाट्सएप पे लेके आएंगे, आपका मीडिया फाइल चैटिंग नहीं जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा। तो ये कैसे करेंगे आज, ये मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, आप जाकर प्ले लिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं, या फिर अगर फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपसे एक चीज़ सलाह दूंगा कि ये सारा प्रोसेस फॉलो करने से पहले आप एक बार प्रॉपरली ये जरूर चेक कर लीजिए क्या वो काम हो रहा है जैसे मैंने आपको उस वीडियो में बताया है। जब तक आपका वो काम ना हो तब तक आप उसको दोबारा से वहां से वेरीफाई कर लीजिएगा ताकि डेटा आपका नहीं जाएगा। तो हम शोर चीजें समझ आ गई होंगी आपको, यू व्हाट्सएप से अगर आपको एफएम व्हाट्सएप से एड्स को ब्लॉक करना है तो कैसे ब्लॉक करेंगे। वीडियो पसंद आया इसे लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत फिर से मिलेंगे, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।